हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और पाइए सभी लेटेस्ट वीडियोस बेल आइकन को दबाकर। नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों, विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा लक्ष्य सर्वोत्तम शिक्षा, उज्जवल भविष्य है, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिक्स के आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल एंड लॉज करवाने का मैंने प्रॉमिस किया है, और उसी सीरीज में हम बेसिक चीज़ों को पढ़कर, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रेशर के बारे में पढ़ाया था, बेसिक चीज़ों को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल दोस्तों हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स स्पेशल सीरीज में सेकंड वीडियो है दोस्तों आज ये। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको इसमें ज़रूर दूंगा वीडियो के साथ ही। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड्स, ये एक चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसी में टॉपिक, सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है दोस्तों? देखिए, प्रेशर इन फ्लूड, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लिक्विड के अंदर एक प्रेशर बिल्ट होता है दोस्तों, इसी प्रकार से। तो यहां हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमोस्फेयर। हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है दोस्तों, और उस वायुमंडल के अंदर जो गैसेस हैं, उन गैसेस का प्रेशर जो है हमारी अर्थ सरफेस पे, हमारे सी लेवल पर जो पड़ता है, उसे कहा जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर दोस्तों, ठीक है। तो इसे हमने लिखा है द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमोस्फेयर एट सी लेवल, तो उसे एटमोस्फेरिक प्रेशर कहा जाएगा। जो हमारा समुंदर का जो सतह है उसके ऊपर हम 1 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। एटमोस्फेरिक प्रेशर की यूनिट ही दोस्तों है atm, और atm जो है वो किसके बराबर होगा? 10^5 पास्कल के बराबर। पास्कल दोस्तों प्रेशर की SI यूनिट है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो है, टोरिसेली जो है उन्होंने सबसे पहले मरकरी बैरोमीटर बनाया था दोस्तों, और ये जो 1 atm है ये रहेगा हमारा इतने mmHg, ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक atm प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो पारे का वेट 760 mm, पारे का जो वेट होता है उसके बराबर होता है एक atm। और हम समुद्री सतह से, सी लेवल से जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चलेगा दोस्तों, और जितना हम समुद्र में नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। और समुद्र के बिल्कुल लास्ट बॉटम पॉइंट पर 1000 गुना प्रेशर जो है माना जाता है, मतलब कि एक एटीएम का 1000 गुना प्रेशर जो है बॉटम ऑफ द सी जो है वो पाया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों ये है, आपने समझा। उसके बाद एक एटीएम की वैल्यू पास्कल में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था टोर, टोरिसेली के नाम से ही बना है दोस्तों टोर, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये साइंटिस्ट को के नाम से है टोर, इसकी यूनिट होती है प्रेशर की। बार भी यूनिट होती है, पास्कल इसकी SI यूनिट है दोस्तों, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बैरोमीटर दोस्तों यूज किया जाता है मौसम की जानकारी का पता लगाने के लिए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, हमें मौसमी जो जानकारियां मिलती हैं उसमें हमारा काफी ज्यादा हेल्प करता है बैरोमीटर। किस प्रकार से करता है देखिए आप दोस्तों, अगर बैरोमीटर के अंदर सडन फॉल होगा, सडन फॉल मतलब क्या होगा? सडन फॉल होना मतलब प्रेशर कम होना, काफी स्पीड से प्रेशर कम अगर होगा तो कहीं ना कहीं थंडर स्ट्रॉम जो है, तूफान आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सडन फॉल इन बैरोमीटर इंडिकेट, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इंडिकेशन ऑफ स्ट्रॉम, तूफान का जो है ये सूचना हमें देगा। सेकंड क्वेश्चन है स्लो फॉल इन बैरोमीटर, अगर बैरोमीटर की जो सुई है वो स्लोली जो है फॉल नीचे की तरफ जाएगी तो स्लोली प्रेशर डाउन हो रहा है दोस्तों, और प्रेशर डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाया जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर ही जो है फ्लो रहेगा। तो
तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, तो बैरोमीटर ने बताया कि भाई स्लोली प्रेशर लो हो रहा है, स्लोली फॉल, प्रेशर लो हो रहा है, तो मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर बढ़ेगा, तो बारिश का अंदेशा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज बताता है। और स्लोली राइजिंग अगर होगा, सुई जो है बैरोमीटर की अगर अप ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो मतलब प्रेशर जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, तो प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है तो लो से हाई तो आएगा ही नहीं, तूफान नहीं आएगा, बारिश भी नहीं आएगा, और स्लोली प्रेशर हाई हो रहा है तो मतलब मौसम शांत है, सुहाना मौसम है, शांत है, कोई बारिश नहीं होगी, तो ये इंडिकेशन ऑफ क्लियर वेदर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल जिसकी मैंने आपसे बात की है कि मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट लॉ एंड प्रिंसिपल फिजिक्स के मैं आपको बताऊंगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पे आ जाते हैं दोस्तों, पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर। सबसे बेसिक और फर्स्ट मेथड है ये, जिसके ऊपर ये चैप्टर भी टिका है। पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर क्या कहता है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट इसके दो लॉ हैं। फर्स्ट कहता है कि लिक्विड पे प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। बहुत ज्यादा देखिए आप, बिल्कुल सिंपल अब ये देखिए, आप देखिए प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। तो मैंने जो है कंटेनर बना दिया, यहां पे है हमारे पास वाटर, ठीक है, और वाटर जो है वो एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एलिमेंट से, नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एटम से। तो आप ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर आप लगा लीजिए एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो फोर्स लग रहा है दोस्तों वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब बैलेंस्ड फोर्स है दोस्तों, मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर बैलेंस्ड फोर्स लगेगा, और बैलेंस्ड फोर्स होगा तो नेट फोर्स क्या होगा इस पर, नेट फोर्स होगा इस पर जीरो। अंडरस्टैंड, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, तो किसी भी लिक्विड के किसी भी पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स बैलेंस्ड फोर्स होता है, और बैलेंस्ड फोर्स है तो वो प्रेशर भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा दोस्तों। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि प्रेशर अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ लिक्विड पर अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, वो प्रेशर एग्जर्ट होगा कंप्लीट कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, देखो दोस्तों, एक सिलिकन बोल है, एक स्पंज कंप्रेस होने वाली बोल है, अगर आप उसके किसी एक पॉइंट को भी कंप्रेस करोगे तो वो प्रेशर इक्वली एवरी कॉर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो लगेगा दोस्तों। और यही चीज है हमारा जो सेकंड हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर जो है किसी भी पॉइंट पे अगर लिक्विड पे हम अप्लाई करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो वो सभी डायरेक्शंस में जाएगा दोस्तों। कैसे है ये चीज, हम इस एवरीडे लाइफ के एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जनरल कंपटीशन में तो पूछा जाता है दोस्तों, CDS, NDA, SSC, HSSC पूछ सकता आपसे, एवरीडे लाइफ में हम यूज भी करते हैं। देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज की जाती है, हाइड्रोलिक ब्रेक हमारी गाड़ियों में होते हैं, हाइड्रोलिक जैक यूज करते हैं, जब हम गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो टायर चेंज करते हैं हम दोस्तों, हाइड्रोलिक पंप्स जो होते हैं, तो इन सब जगह जो है ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है हाइड्रोलिक पंप। तो ये एप्लीकेशन जो है वो इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। कैसे है ये देखो आप, मान लो अगर मैं फोर्स यहां पे लगाऊंगा, तो यहां फोर्स अगर हम लगाएंगे तो इसके एवरी कॉर्नर पर फोर्स लगेगा और ये गाड़ी जो है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। गाड़ी को जब हम वॉशिंग करवाने जाते हैं तो वो गाड़ी को ऊपर उठाएगा, तो वो प्रेशर कैसे होता है, इसी प्रकार से होता है दोस्तों। तब यहां से हम फोर्स पर्टिकुलर एरिया मतलब प्रेशर अगर हम लगाएंगे तो गाड़ी ऊपर की तरफ आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लिक्विड पर जब हमने प्रेशर लगाया तो ये पूरी जगह जो है ट्रांसमिट होगा दोस्तों। यहां से आप देख लीजिए, एक मैंने बिल्कुल सिंपल डायग्राम बना दिया, अगर मैंने यहां फोर्स लगाया है तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो चारों तरफ हर एक पॉइंट पर फोर्स को एग्जर्ट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और मान लो मैं अगर इसको यहां से जोड़ देता हूं, तो यहां पर अगर कोई भी चीज अगर खड़ी होगी तो ये खड़ी हुई चीज कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, पास्कल ऑफ प्रेशर। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, किसी भी लिक्विड पर
कोई भी प्रेशर जब लगता है वो इक्विलिब्रियम होता है दोस्तों, ये काम आएगा हमारा सरफेस टेंशन में दोस्तों, ठीक है। सेकेंडली इसकी एप्लीकेशन है जिसको आप देख रहे हो कि हम हर रोज यूज करते हैं। आप गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को जो है आप पुश करते हो और वो प्रेशर थ्रू आउट जाता है और हमारे जो गाड़ी के टायर्स हैं उनको लॉक कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। इसको आप बेटर से आप समझिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप कि आपको कैसा लगा वीडियो में। और फर्दर हमें अभी काफ़ी कुछ पढ़ना है, मेथड्स लास्ट को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी अभी तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।